हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट बैगा ज्ञान। सो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑर्टिकॉइड्स के बारे में, ठीक है। आज इसका जनरल जो है अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या होते हैं और इसको जो है अपने फार्माकोलॉजी में कैसे पढ़ना है, तो ये सब कुछ आज इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम बात करते हैं ऑर्टिकॉइड्स की, तो ये जो है एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। वो जो है ऑर्टोस का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, ठीक है। एकोस का मतलब होता है रेमेडी या फिर मेडिसिनल एजेंट, जो खुद जो है एजेंट जो अपने बॉडी जो रिलीज करती है उसे ऑर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ये जो है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अपने एग्जाम्स में जो है काफ़ी बार आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सो अगर कोई डेफिनेशन भूल गया ऑर्टिकॉइड्स की, तो ये आपको लिखना है, दीज आर द डाइवर्स सर्कुलेटिंग और लोकली एक्टिंग हार्मोन लाइक सब्सटेंस, और लोकली एक्टिंग हार्मोन लाइक सब्सटेंस होते हैं विच ऑरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज से होते हैं ना, एंड प्रोड्यूस इंटेंस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज नियर देयर साइट ऑफ सिंथेसिस और रिलीज। तो ये जो है अलग अलग जो होते हैं रिलीज होते हैं और ये अपने आसपास के एरिया में जो है सिंथेसाइज होते हैं और वहीं एक्टिविटी करते हैं। ये पूरी जगह सर्कुलेट नहीं होते, डाइवर्स सर्कुलेटिंग है ना, पूरा सर्कुलेशन नहीं है, डाइवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें तो साइट ऑफ एक्शन, तो इसका लोकली है, लोकल हार्मोन बोलते हैं, शॉर्ट एक्शन होता है, बिल्कुल है ना। अब इसके बात करें हाउ इट डिफर्स फ्रॉम हार्मोन्स, ये हार्मोन्स से कैसे अलग है। एक तो ये है कि ये नॉट प्रोड्यूस बाय एनी स्पेसिफिक ग्लैंड इन द बॉडी, ये कोई भी एक स्पेसिफिक ग्लैंड से प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है इट नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय सर्कुलेशन, ये पूरे सर्कुलेशन में जो है उससे ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसका डाइवर्स सर्कुलेशन होता है, ठीक है। थर्ड है डोंट एक्ट ऑन डिस्टेंट टारगेट, ठीक है, ये जो है बहुत दूर के टारगेट पे जो है वहाँ एक्शन नहीं करता, इसलिए ये डिफर है फ्रॉम हार्मोन्स। अब इसकी बात करें इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे इंजरी हो गई उसमें भी इसका इन्वॉल्वेशन होता है, ठीक है। फिर बात करें इसके रिलीज की, तो ये रिलीज कब होते हैं, कोई एलर्जी हो गई, आपको ततैया काट जाता है या फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब जो है ये ऑर्टिकॉइड जो है रिलीज होते हैं। अगर अपन इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, तो क्लासिफिकेशन में जो है हमने इसके बेसिस जो केमिकल बेसिस हैं उसके ऊपर तीन मेन ग्रुप में डिवाइड किया है, अमीन ऑर्टिकॉइड्स, पेप्टाइड ऑर्टिकॉइड्स और लिपिड डिराइव्ड ऑर्टिकॉइड्स, ठीक है। सो अमीन ऑर्टिकॉइड्स कौन कौन है, हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन या फिर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन हो गया। पेप्टाइड ऑर्टिकॉइड्स में कौन है, काइनिन्स हो गया, ब्रैडीकाइनिन एंड कैलिडिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन, ट्रैकीकाइनिन, सब्सटेंस पी एंड न्यूरोकाइनिन ए, फोर्थ है साइटोकाइन्स। और लिपिड डेराइव्ड ऑर्टिकॉइड्स में कौन हो गया, आइकोसोनॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिंस, ल्यूकोट्रिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है, प्लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। सो ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स हैं, जो इसके टाइप्स है उसके एग्जांपल्स है, यानी हिस्टामिन वगैरह, ये सारा कुछ जो है हम एक एक को डिटेल में जो है हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डालेंगे। सो ये अभी तक आपको हमने जनरल ऑर्टिकॉइड्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।